हेलो स्टॉक्स वालों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, जिसको हम लोग DHFL के नाम से जानते हैं। इस साल ये शेयर काफी ज्यादा टूटा है 60% से ऊपर, और अब इसमें थोड़ा एक ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है। तो हम लोग बात करेंगे ये कितना सस्टेनेबल है। वहीं पे अभी हाल फिलहाल इसको नमूरा ब्रोकरेज एंटरप्राइज जो है उसने टारगेट दिया है, और वो टारगेट अगर ये अचीव कर लेता है तो आपको साल भर के अंदर ये 50% का रिटर्न दे सकता है। तो यही जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो एक रिटेल निवेशक के लिए जानना होता है, वो होता है कि किस प्राइस पे एंट्री ले। तो इस बात की हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि क्या है इसका एंट्री का सही प्राइस, और उसके लिए हम लोग देखेंगे इसका रिटर्न, और साथ ही करेंगे इसकी डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना होने पाए। ये है प्राइस सेटअप और आप देख रहे हैं स्टॉक्स वाले बाबू। थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं कंपनी का। तो ये इंडस्ट्री को बिलोंग करती है फाइनेंशियल सर्विसेज, और इसका जो सेक्टर है वो है NBFC, जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो काफी कम हो गया है पहले के मुकाबले, क्योंकि ये पहले आया करती थी मिड कैप सेगमेंट में, और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा खासा था 15,000 करोड़ के ऊपर, जो कि अब घट के सिर्फ 6,798 करोड़ का हो गया है। और इसका जो करेंट मार्केट प्राइस है वो अभी 216 के आसपास चल रहा है। तो अब मैंने लगा लिया दीवान हाउसिंग फाइनेंस का 10 साल का रिटर्न। आप देख सकते हैं इसने 10 साल में ऑलमोस्ट 420% का रिटर्न दिया, यानी कि आपके पैसे 5 गुने से ज्यादा बढ़ गए इस पीरियड में। वहीं पे सेंसेक्स ने जो रिटर्न दिया है वो है 271.13% का। 3 साल में इसका जो रिटर्न है वो कुछ खास नहीं है, वो है 0.4%। वहीं पे सेंसेक्स का जो रिटर्न है वो लगभग 43% के आसपास है। 1 ईयर का जो इसका रिटर्न है वो बहुत ही बुरा है, नेगेटिव में आप देख सकते हैं, नेगेटिव में 63.2%। वहीं पे सेंसेक्स का पॉजिटिव में 8.17%। और ये इसका ईयर टिल डेट यानी कि 1 जनवरी 2018 से लेके अब तक का रिटर्न, जो कि अगेन एक नेगेटिव है, आप देख सकते हैं 63% डाउन है ये। वहीं सेंसेक्स अप है 5.6%। 1 मंथ का इसका रिटर्न भी नेगेटिव है, मैं कहूंगा लगभग 10% डाउन है। वहीं सेंसेक्स 2.34% अप, और 1 वीक का इसका जो रिटर्न है वो अप है 7.3%। वहीं सेंसेक्स जो है 0.81% अप है, और इसका जो 1 डे का रिटर्न है यानी कि शुक्रवार 14 दिसंबर का, वो 1% डाउन है। वहीं पे सेंसेक्स लगभग फ्लैट है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि इसका जो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म का जो गेन है वो रिटर्न है वो बेटर है, लेकिन आप 3 साल, 1 साल या ईयर टिल डेट का रिटर्न देखेंगे तो बहुत ज्यादा निगेटिव रहा है, क्योंकि ये स्टॉक बुरी तरह से टूटा है उन दिनों में। तो आगे ये कैसा परफॉर्म करने वाला है उसके लिए हम लोग देखते हैं इसकी टेक्निकल एनालिसिस। तो अब लगा लिया मैंने दीवान हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट, ये है 14 दिसंबर का चार्ट 5 मिनट के इंटरवल पे। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो प्रीवियस क्लोज था वो था 218.45 पैसे पे, और जो ये ओपन हुआ है 14 दिसंबर को वो ओपन हुआ है गैप डाउन के साथ, सॉरी गैप अप के साथ 218.9 पे। लेकिन जो उसके बाद ये गिरा है तो इसने एक लो बनाया है 215 पे, और उसके बाद ये थोड़ा कंटिन्यूड रहा है इसी रेंज में। उसके बाद फिर स्टॉक में थोड़ी बढ़त आई है, बट ये फिर उसके बाद गिरा है, और ये उतार चढ़ाव का माहौल पूरा चलता रहा शुक्रवार के दिन 14 दिसंबर को। और उसके बाद फाइनली स्टॉक जो ओपन हुआ था उससे कहीं लो जाके बंद हुआ है 215.60 रुपये NSE पे। तो इसको और डिटेल में देखने के लिए मैं इसको लगा लेता हूं आवरली चार्ट। तो ये है आवरली चार्ट आपके सामने, और हम देखेंगे इस पूरे वीक का जो ट्रेंड रहा है उसको। तो वीक स्टार्ट होता है आपका 10 दिसंबर से, तो ये है 10 दिसंबर यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं जो प्रीवियस क्लोज था पिछले हफ्ते का जो था 7 दिसंबर को वो था आपका 202.60 रुपये पे, और जो ओपन हुआ है एक गैप डाउन के साथ ओपन हुआ है 10 दिसंबर को सोमवार के दिन वो था 193.75 रुपये पे। लेकिन उसके बाद ये ग्रेजुअली बढ़ा है, और जो उसकी क्लोजिंग हुई है वो हुई है आपके 198.20 रुपये पे। तो ओवरऑल मंडे को जो 7 दिसंबर था ये थोड़ा बढ़ा है। उसी तरह से अगर हम ट्यूसडे की बात करें 8 दिसंबर को, तो उसमें भी इसमें सॉरी 10 दिसंबर को ये बढ़ा है, और 11 दिसंबर की बात करें तो उसमें भी यहाँ पे थोड़ी बढ़त दिख रही है। सेम है आपका 12 दिसंबर को भी, और अगर हम 13 दिसंबर को देखें तो ये थोड़ा सा फ्लैट रहा है, क्योंकि जहाँ पे ओपन हुआ है वहीं पे ये क्लोज डाउन हुआ है। ऑल्दो इसने बहुत अच्छा हाई बनाया था,
228 का, और लेकिन उसके बाद ये फिर गिर चुका है। और जो शुक्रवार 14 दिसंबर का जो इसका ट्रेंड था वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा फ्लैट ही था और स्लाइटली नेगेटिव था, क्योंकि जो ओपन हुआ है ये ओपन हुआ था आपका 218.90 पे, और जाके जो ये बंद हुआ है वो हुआ है 216.60 पे। तो ओवरऑल थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली फ्राइडे को, लेकिन जो ट्रेंड है आप अगर मंडे की ओपनिंग से लेके फ्राइडे की क्लोजिंग तक देखें तो एक ये अपवर्ड ट्रेंड में चल रहा है। तो उसी को और डिटेल में देखने के लिए यहाँ पे मैं डे चार्ट लगा लेता हूँ। तो ये आ गया आपके सामने डे चार्ट, और इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप पूरा जो इसका ट्रेंड है प्राइस मूवमेंट का वो आप देख सके। तो ये देखिए इसके सामने यहाँ पे है ये 21 सितंबर को जब इसमें भारी गिरावट आई थी, जब ये ओपन हुआ था 615 पे, हाई बना था 615, वही जो ओपन हुआ वही उसका हाई था, और उसके बाद ये लगातार गिरा और इसने एक ऐतिहासिक लो बनाया यहाँ पे 275 रुपए के आसपास का, और ये बंद हुआ 350 पे। और आप देख सकते हैं कि उसके बाद एक ट्रेंड बन गया निगेटिव का जो कंटिन्यूड रहा, और इसने अपना जो लो बनाया यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये इसका अब तक का लोएस्ट पॉइंट है वो है 176.10 का। उसके बाद ये कभी भी इस पॉइंट से लो नहीं गया है, तो एक तरह से एक सपोर्ट यहाँ पे है, मतलब इसके लोएस्ट इसमें। उसके बाद एक नियर टर्म में सपोर्ट मुझे दिख रहा है आपको 200 के आसपास का जो प्राइस रेंज है वहां, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है वो है 230 के आसपास। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी स्टॉक ने कोशिश करी ऊपर जाने की, और इसने हाई भी बनाया 228 के आसपास का, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाया। और यहाँ भी आप देख सकते हैं एक हाई बना था 228 का, वो भी ब्रेक नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं ये 13 दिसंबर को जो कि थर्सडे था, उस दिन भी स्टॉक ने एक हाई बनाने की कोशिश की 228 तक, लेकिन फिर उसको क्रॉस नहीं कर पाया। तो ओवरऑल जब तक ये जो रेजिस्टेंस है 228, 229, 230 के आसपास का ये ब्रेक नहीं होता कम्प्लीटली, तब तक ये स्टॉक का अप ट्रेंड में जाना मुझे तो फिलहाल मुश्किल दिख रहा है। तो और ट्रेंड को डिटेल में एनालाइज करने के लिए लगा लेते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे 5 डे, 8 डे, 13 डे और 20 डे का मूविंग एवरेज। ये कम ड्यूरेशन के मूविंग एवरेज मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि हम नियर टर्म को एनालाइज करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं एक क्रॉसओवर बनता हुआ दिखा था थर्सडे को, जब 5 डे मूविंग एवरेज ने 8 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था, और ये बढ़ के ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि यहाँ पे क्रॉसओवर बन ही रहा है आपका 13 डे के साथ। और ये ट्रेंड अगर कंटिन्यूड रहा तो एक क्रॉसओवर हमें यहाँ भी दिखेगा 20 डे के साथ। तो ये अगर क्रॉसओवर बन जाता है तो फिर इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो प्राइस मूवमेंट के लिए एक मोमेंटम ऑसिलेटर भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा स्टोकैस्टिक RSI। तो ये रेड लाइन है ये है परसेंट D, और ये जो ब्लैक लाइन है वो है परसेंट K। तो आप देख सकते हैं एक क्रॉसओवर यहाँ पे बना था 11 दिसंबर को, और यहाँ से एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया था इसका, और ये जो मोमेंटम है मुझे ये थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज दिख रहा है, जब प्राइस मूवमेंट ऑलमोस्ट इसी रेंज में है जिस रेंज में थर्सडे को था उसी रेंज में फ्राइडे को भी है। तो मंडे को मुझे लगता है न्यूट्रल ही रहेगा मोस्ट लाइकली। और जहां तक बात है इस स्टॉक में एंटर करने की, तो मैं कहूंगा आप इसको देख लें जरा अच्छे से। मेरे हिसाब से जब तक ये 230 का मार्क क्रॉस ना करे, और मुझे लगता है कि उसी के आसपास आपको एक गोल्डन क्रॉसओवर दिखेगा 5 डे वर्सेस 20 डे मूविंग एवरेज का, तो वहां पे आप थोड़े सर्टेन हो सकते हैं इसमें एंट्री करने के लिए। और अगर 230 से लेके अगर 300 तक का टारगेट है और वहां वो रीच करता है तब भी एक अच्छा मुनाफा आपको हो सकता है साल भर के अंदर। तो मेरा इसमें मेरी जो अपनी राय है मैं यही कहूंगा कि 230 के ऊपर ही एंट्री करने का एक ठीक पॉइंट बनता है, अभी के स्टेज में तो बिल्कुल भी नहीं। जब तक ट्रेंड पूरी तरह से रिवर्स होके अप ट्रेंड के फॉर्म में नहीं आ जाता तब तक इसमें एंट्री लेना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो करता हूँ वाइंड अप। अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।